अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डी टी न्यूज़ से मैं हूं बिशारत अली मिर्ज़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूं घंटाघर चौक में, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त पुलिस की नफरी जो है वो भारी नफरी तैनात की गई है, क्योंकि दफ़ा 144 का नफाज किया गया था, और चूंकि आज पीटीआई का जलसा था, एहतजाज था, तो इस बिना पर जो है उस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए जो है वो शेलिंग भी की गई पुलिस की जानिब से, और यहाँ पे उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। कुछ फुटेज जो है वो मैं साथ में चला दूंगा, आप जो है मुलाहिज़ा कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो शेलिंग की वजह से पुलिस भी जो है वो ख़ुद मुतासिर हुई है, साथ में पीटीए के कारकुनान जो थे वो भी काफ़ी मुतासिर हुए हैं। तो ज़रा मज़ीद आप फुटेजेस देखें, आपको जो है वो दिखाएंगे कि फैसलाबाद की जो है वो सिचुएशन, जो हालत है वो किस तरह कशीदगी की तरफ जो है ये गई है। आज इस वक्त शाम का टाइम हो चुका है, और अभी भी जो है वो ग्रुप्स में जो है वो पीटीए के कारकुनान आ रहे हैं, लेकिन उनको जो है वो शेलिंग करके उनको जो है वो खदेड़ा जा रहा है। तो यही सिलसिला तकरीबन सुबह से जो है अभी तक जारी है, और अब शाम का वक़्त हो चुका है, और अभी भी ये सिलसिला वक्तन व वक्तन जारी है। जी